हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान सा निटिंग पैटर्न। इसको आप किसी पर भी डाल सकते हैं। ये ओपन वर्क पैटर्न है, इसमें जाली आएंगी और इसको आप अपने शॉल पे डाल सकते हैं, स्टॉल पे डाल सकते हैं, या फिर आप अपने कार्डिगन या स्वेटर के बॉर्डर पे डाल सकते हैं। सिर्फ दो लाइन का है और दो दो फंदों का ये पैटर्न है। इवन नंबर के आप कितने भी फंदे डालेंगे उसमें ये पैटर्न आपका बन जाएगा। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे। पहली लाइन है, दो दो फंदों के मल्टीपल करके मैंने 18 फंदे इसमें डाले हैं। अब देखिए एक फंदा हम उतारेंगे या आप बना सकते हैं। यहाँ से अब ये पैटर्न शुरू होगा। देखिए धागा हम अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और दो फंदों का हम ऐसे दो का एक करेंगे, ऐसे करके जाली डालते हुए दो फंदों का एक। अब पूरी लाइन में आपने यही करते जाना है। देखिए धागा अपनी तरफ, दो फंदों का एक करेंगे। तो इस पूरी लाइन को हम इसी तरीके से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके और दो फंदों का एक करेंगे इस तरीके से, ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदों का एक, फिर धागा अपनी तरफ सीधा बुनते हुए। देखिए इस तरीके से सीधा बुनते हुए दो फंदों का हम एक करेंगे। आपके पास जितने भी फंदे होंगे आप इसी तरीके से कीजिएगा, लास्ट तक इसी तरीके से हम करेंगे इसको। ये देखिए दो फंदों का एक किया मैंने और लास्ट में आपके पास एक फंदा बचेगा, उसको आपने सिंपल ऐसे बना लेना है। अब देखिए उल्टी लाइन, उल्टी लाइन में भी डिज़ाइन आएगा तो ध्यान से देखिए। सिर्फ दो ही लाइन है, एक जो मैंने आपको बता दी और अभी एक और बनेगी। तो ये आपने उल्टा फंदा, उल्टी लाइन में एक फंदा उतारना है जो कि एज का फंदा है पहला। उसके बाद हम एक फंदा और उल्टा बनाएंगे। अब देखिए क्या करना है, धागा इस तरीके से लपेटना है ऐसे, और ये जो दो फंदे हैं, एक ये जाली वाला और एक ये नॉर्मल फंदा, इनको दो का एक कर देना है। फिर धागा लपेटेंगे और दो को ऐसे बनाएंगे साथ में। ये देखिए यही आपका पैटर्न है, धागा लपेटा ऐसे, दो फंदों का एक कर दिया, फिर धागा लपेटा ऐसे करके और दो फंदों का एक, उल्टा बुनते हुए, फिर धागा लपेटा, दो फंदों का एक। पूरी लाइन में हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अब लास्ट में आपके पास दो फंदे बचेंगे, इनमें आपने ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपने सिंपल इन दो फंदों को उल्टा बना लेना है। लास्ट के दो फंदे आपने प्लेन बनाने हैं उल्टी लाइन में। ये देखिए इस तरीके से ये बनेगा। फिर से पहली लाइन में आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ। एक फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदों का हम सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, दो का एक। इसी तरीके से आपने अब करते हुए जाना है, धागा अपनी तरफ, दो का एक, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदों का एक, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदों का एक। यही आप पूरी लाइन में रिपीट करते हुए जाएंगे। लास्ट का फंदा आपने ये दो फंदों का एक किया और लास्ट में एक ही फंदा बचेगा, उसको आपने बना लेना है। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न आएगा आपका। और उल्टी लाइन में एक फंदा उतारने के बाद एक फंदा उल्टा, और धागा इस तरीके से घुमाना है जैसे हम उल्टा फंदा बनाते हैं इस तरीके से, देखिए ऐसे, और ये दो फंदे साथ में बना के दो का एक उल्टा बुनते हुए, फिर धागा लपेटा, दो फंदों का एक उल्टा बुनते हुए, धागा लपेटा, दो फंदों का एक उल्टा बुनते हुए, धागा लपेटा, दो फंदों का एक, ऐसे। ऐसे हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करते जाएंगे। और लास्ट में देखिए ये दो फंदों का एक क्या, उसके बाद आपके पास दो ही फंदे बच जाएंगे, उनको आपने प्लेन बना लेना है उल्टा। ये देखिए ये आपका ऐसे पैटर्न बनेगा। ये देखिए इस तरीके से
ये देखिए ये आपका पैटर्न है, बहुत ही इजी है देखिए बनाने में। तो फिर आप बनाइए, और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।